हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केल्विन डबल ब्रिज के बारे में। तो केल्विन डबल ब्रिज काम करता क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। केल्विन डबल ब्रिज का काम होता है लोअर रेसिस्टेंस का वैल्यू को मापना। तो चलिए इसको हम चालू कर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरा, इट इज यूज फॉर लोअर रेसिस्टेंस। उस लोअर रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.1 ohm to 1 ohm। ओके, दूसरा पॉइंट है मेरा, इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपका लोअर रेसिस्टेंस को मापता है, बट ये अपडेटेड वर्जन है। देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से देखिए, पी क्यू आर एस ये आपका रेसिस्टेंस है और ये एक गैल्वेनोमीटर है। तो इसका इक्वेशंस इस टाइप का, एट बैलेंस कंडीशन में होता है आपका पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस। तो इसका रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा पी बाय क्यू इंटू एस। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ओके, तो उसके बाद आते हैं, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बात कर लिए, उसके बाद आते हैं बात करते हैं इसका, केल्विन डबल ब्रिज का। ठीक है, तो केल्विन डबल ब्रिज का सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है, ये कौन कौन सा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट को हम अवेद वो करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ये सारा पॉइंट के बारे में। देन इसका हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो चलिए ये पॉइंट का, सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, और ये चारों जो है, ये चारों रेसिस्टेंस मेरा नॉन रेसिस्टेंस है। ये चारों रेसिस्टेंस का वैल्यू फिक्स होगा। ये चारों रेसिस्टेंस पी स्मॉल और क्यू स्मॉल का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है, ये सारा फिक्स होगा। मतलब कि ये सारा थे रेसिस्टेंस जो हमको पता होगा। उसके बाद आते हैं ये आर, और ये आर ये है आपका स्टैंडर्ड, नहीं ये है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं मीडियम रेसिस्टेंस, ये वाला आर, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो ये है आर, ये है आपका मीडियम रेसिस्टेंस, और ये जो है आपका, ये है आपका स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, और जो ये है आपका आर वी, और इसको बोलते हैं आप वेरिएबल रेसिस्टेंस। ओके, और देन उसके बाद आता है ये आर, और ये जो आर है आपका, ये आर होता है आपका नेगेजिबल रेसिस्टेंस। ओके, और ये जो जी है, ये जी बी और डी के बीच में जो जी है उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ओके, और देन आपका ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, आप मेंशन कर देते हैं। ओके, ए बी सी डी जो आपका आर्म्स होगा, यानी कि नोडल पॉइंट होगा। ओके, और एम एन भी नोडल पॉइंट है। चलिए अब इस इक्वेशन को हम, इसका रेसिस्टेंस को हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन करते हैं हम। ओके, तो इक्वेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं भी क्लियर हो आपके लिए, आप वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक आप देखें ताकि आप अच्छे से समझ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का हम बोलेंगे ई ए बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए इंटू बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए इंटू बी। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ये वाले पॉइंट को फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए इंटू ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को फाइंड करना। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं ई ए बी के बीच में I1 into P हो जाएगा I1 into resistance। ओके, तो I1 का वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करना है। तो I1 का वैल्यू देखिए आप कहाँ से फाइंड होगा, I1 का वैल्यू यानी कि आपको करंट निकालना है। ये करंट निकालना है तो क्या होगा, अपोजिट लोड आपका क्या है, यहाँ से ई ए सी यहाँ तक, तो अपोजिट लोड बाय टोटल रेसिस्टेंस। अपोजिट लोड अपो ई ए सी बाय टोटल रेसिस्टेंस पी प्लस क्यू। तो ये वाला वैल्यू को हमको ई ए बी का वैल्यू में पुट कर देना। तो इस वाले इक्वेशन, ये मेरा ई ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ई ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ये, और इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे। देन
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ई ए सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है ए एंड सी के, तो इसके बीच में कौन कौन सा पॉइंट है सबसे पहले वो पॉइंट को मेंशन कर लेना। तो चलिए करते हैं, तो ई ए सी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी क्यू आर। तो ये वाला वैल्यू कैसे आया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहां से देखिए, जैसे देखिए हमको यहां से यहां करना है, ये जो यहां से ब्रांच करंट है ये सबके लिए कॉमन है, तो इस कारण से ये वाला ब्रांच करंट के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आर प्लस एस, दोनों रेसिस्टेंस को हमको जोड़ देना है क्योंकि ये सीरियल में है, ओके सीरियल में है तो रेसिस्टेंस को जोड़ देना। उसके बाद ये वाला बीच वाले का बात करेंगे, तो बीच वाले का बात क्या करेंगे, देखिए ये भी दोनों सीरियल में है तो दोनों को जुड़ जाएगा, ये आपका पैरेलल, ये अपोजिट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके ये मल्टीप्लाई हो गया बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ओके ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ओके देन क्या करना है आपको, आपका ई ए सी का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो चुका है, और यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन वन में ई ए सी खाली है, तो इस वाले वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन वन में पुट कर देना है। इस वाले वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देने के बाद जब आप ई ए सी का वैल्यू पुट करते हैं तो पी बाय पी प्लस क्यू तो पहले से था, और आई इंटू आर प्लस एस प्लस पी क्यू पी क्यू प्लस आर, ये इतना वैल्यू यहाँ पे आपका आ चुका है। देन उसके बाद होता है तीसरा है, अब एक और निकालना है हमको, क्योंकि बैलेंस कंडीशन के लिए हमको एक निकालना ही पड़ेगा। अब तीसरा हमको यहाँ पे निकालना है ए एम डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एम डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकालना। आप यहाँ गौर से देखिए, आपके यहाँ पे दो दो रेसिस्टेंस है, तो चलिए उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे तो दो दो रेसिस्टेंस उसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, तो ई एम देखिए, ये जो ब्रांच करंट तो सबके साथ रहेगा, तो I into R प्लस I2 into P, ओके तो I2 का वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, यानी कि ये I2 का वैल्यू क्या होगा, तो हम I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो I2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखिए, ये वाला I2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो I2 का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। देख लीजिए आप जरा सा I2 का वैल्यू कैसे हम फाइंड किए हुए हैं। I2 इक्वल टू क्या है, IR, तो ये जो I है तो I तो सबके साथ है, ये I जो करंट है ये I यहां से गया, R हो गया आपका अपोजिट लोड या रेसिस्टेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस PQ+R, तो I2 का वैल्यू आ गया, तो I2 का वैल्यू यहां पे आप पुट कर दिए, और ये आपका इक्वेशन हो गया फोर सॉरी। अब आपका लास्ट इक्वेशन क्या आता है वो करते हैं। चलिए अब आपका आता है लास्ट में क्या आता है, एट बैलेंस कंडीशन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एट बैलेंस कंडीशन ए एंड डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बैलेंस कंडीशन का इम्पीडेंस क्या होता है, Z1 × Z3 = Z2 = Z4, ये होता है आपका इक्वेशन। ओके तो यहाँ पे देखिए, तो बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, ई ए बी इक्वल टू होगा EAMD, तब जाके ये बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई। ई ए बी इक्वल टू होगा ई ए एम डी, तो ये दोनों का EAB और EAMD का जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे पुट करने के बाद आप देखिए यहाँ से आई और आई कट गया, और जो बचा रेस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाला टर्म इधर पहुंच जाएगा, तो आपका इस टाइप का इक्वेशन आएगा। ओके और इस टाइप के इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे PR कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों आपका कट गया। उसके बाद देखिए आपका बचा ये QR, जो QR को इस साइड करना है, तो QR को इस साइड करने के बाद यहाँ पे आपका क्या बचता है, तो PS प्लस ये, और ये वाला टर्म यहाँ पे आपका माइनस में आ गया। उसके बाद देखिए QR यहाँ पे आ रहा है PS, आप यहाँ से क्या कीजिए, R by P plus Q R को कॉमन कर लीजिए, तो दोनों से कॉमन करने के बाद आपका इतना टर्म आपका यहाँ पे रेस्ट बच रहा है। ओके ये वाली टर्म आपका रेस्ट बच रहा है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या, उसके बाद इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या, आप देखिए यहाँ से आपका कुछ यहाँ पे कट रहा होगा, यही पे यहाँ पे आपका पी कट रहा है, तो कौन सा बचा, ये दोनों बचा,
ये दोनों बचने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इतना इक्वेशन आपको रिमूव करना है यहाँ से, यहाँ से q को रिमूव करना है, तो q से आपको यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। तो डिवाइड करने के बाद आपका ये q आप यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो q था ये कैपिटल q था, ये कैपिटल q को रिमूव करना है। तो कैपिटल q को रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो दोनों करने के बाद ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा और यहाँ से भी ये q को रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इफ बैलेंस कंडीशन डेट पार्ट विल बी जीरो, बैलेंस कंडीशन में ये वाला जो पार्ट होगा पी बाय क्यू माइनस स्मॉल पी बाय क्यू, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो इसके हिसाब से ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये पार्ट भी जीरो हो गया। तो ओनली फोर मेरा आर इक्वल टू क्या शेष बचता है, पी बाय क्यू इंटू एस। तो ये आपका रेसिस्टेंस, आपका रेसिस्टेंस फाइंड हो गया, आपका ये रेसिस्टेंस, यही आपको प्रूफ था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करें, आप हम कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।